स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद, और आज के जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों, आज हम जो बात करेंगे बी सोल के एग्ज़ाम्स जो हमारे चल रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर BA प्रोग्राम, फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के बच्चे जो भी हैं, सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं वो, उनके लिए ये वीडियो है स्पेशल। और इस वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो बताए जाएंगे आपको, पूरा उसका बताया जाए किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, लेंथ ऑफ क्वेश्चन हमें फ्रंट पेज में किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें जानकारी दी जाएगी आपको। लास्ट में एक हमारा इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले हम बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आते रहे हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा जो सिलेबस है, जो है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1700 टू द 1950। ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, स्पेशली 475 मार्क्स का आता है हमारा बच्चों। और 75 में से 75 आउट ऑफ 75 कैसे लेकर आ सकते हैं, सो आफ्टर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन गेट दी 75 मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। सो बी केयरफुल, और देखना है हमें, इंस्ट्रक्शन है हमारे को दिया गया है। सो 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, और वो 3 घंटे आपको 75 मार्क्स के क्वेश्चन करने होंगे। सो दिया गया है आपको कुछ पढ़ने हैं, इस प्रश्न पत्र के प्राप्त होने पर तुरंत शीघ्र अपना रोल नंबर, मतलब सबसे पहले आपको रोल नंबर मेंशन करना है, देन यू हैव टू, और जो आप, अगर आपका मीडियम आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है चाहे हिंदी सेलेक्ट किया है, वो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सो ये भी हमें सबसे पहली चीज़ ये जाननी है, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, आपको टोटल 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, अदरवाइज उसके ज़्यादा नहीं करने, उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। सो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस इंटरप्रिटेशंस ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिया बाय द हिस्टोरियंस, इतिहासकारों द्वारा 18वीं शताब्दी के भारत के विभिन्न मतों की विवेचना कीजिए, मतलब इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी के बारे में क्या क्या बताया। 18वीं शताब्दी बेटा, 18th सेंचुरी वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई, जिस टाइम पे कि औरंगजेब का शासनकाल रहा था, और उन्होंने एक के बाद एक मुगल साम्राज्य को हराना शुरू किया और पूरे भारत पे अपना कब्जा जमा लिया। तो अगर हम बात करते हैं हमारे राजा राम मोहन रॉय की, ऐसे और भी हमारे सारे बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई, और ऐसे बहुत सारे मतों की विवेचना हमें करनी है, और जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, और उन्होंने बताया भी 18वीं शताब्दी के अंदर एक ऐसा काल रहा जिस समय कि भारतीय मुगल साम्राज्य की जो अंत हो चुका था, और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से हमारे भारत में प्रवेश कर चुकी थी। जैसे कि जो कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं, जैसे कि हमारे मेरठ, अवध, लखनऊ, बरेली, इन सभी जगहों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। उस समय कुछ लोग रहे हैं, जैसे कि जो समाज सुधारक कह सकते हैं, और जो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, जिनका नाम था मंगल पांडे, टीपू सुल्तान, महारानी लक्ष्मीबाई, तो ये कुछ ऐसे रहे हैं जिन्होंने कि उनका सामना किया है। अब आते हैं हम इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लासी, प्लासी का वॉर, अगर आप वो नहीं करते प्लासी का तो आप आसानी से कर सकते हैं प्लासी का, प्लासी वॉर जो हमारा हुआ था। प्लासी वॉर के अंदर सबसे मेन चीज़ है, लड़ाई हुई थी मुगलों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में, तो मीर कासिम जो नाम के व्यक्ति थे, और प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों के बीच में जब हुआ तो उसने क्या किया, पूरा कब्जा 1857 का विद्रोह, उसके बाद जो था हमारा राज 26, और कहा जाता है इस समय क्या हुआ, युद्ध हुआ, और युद्ध के कारण क्या हो गया, अब मुगल साम्राज्य का पूरा पतन, कमज़ोर पड़ गई उनकी अर्थव्यवस्था, तहस नहस हो गई, और राजा के साथ साथ साम्राज्य प्रजा भी क्या हो गई, कमज़ोर पड़ गई, तो जिसके कारण कि उसके पूरे क्षेत्र में क्या किया, अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। तो ये था हमारा प्लासी के युद्ध के बारे में था बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं एक हमारा क्वेश्चंस, बंगाल के इस्तेमारी बंदोबस्त, बंगाल के इस्तेमारी, सबसे पहले जब अंग्रेज़ आए बेटा तो वो आए थे, कहा जाता है अंग्रेज़ में तो पुर्तगालीज, क्रिश्चियंस, और हमारे ब्रिटिशर्स, यूनानियंस, ये सारे कुछ ऐसे जो लोग थे जो कि बाहर से आकर हमारे देशों में इन्होंने राज किया था, रूल्स किए थे। तो उन्होंने सबसे पहले जब हमारे भारत के अंदर आए, उन्होंने सबसे पहले जो रूल किया वो कहाँ पे किया, बंगाल कलकत्ता में। अब कलकत्ता में उन्होंने कई चीज़ें क्या है, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त क्या होती है, मतलब कि पहले भारत के अंदर जो थे पूरे ज़मीन के ऊपर जो कंट्रोल था वो ज़मींदारों के ऊपर होता था, वही क्या करते थे लोगों, किसानों के अंडर, किसानों को अपने कंट्रोल में रखते थे। अब जैसे ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने क्या कर दिया कि इस सभी क्षेत्रों में क्या कर दिया, ज़मींदारों को उनका मालिक बना दिया, और ज़मींदार क्या करेंगे, उनके बदले उन्हें टैक्स देंगे। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर क्षेत्र के
इकाई का नापन कर लिया। इकाई के नापन के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि किस क्षेत्र से कितने पैसे लिए जाएंगे। इन सभी चीज़ों पर बात कही गई और इसी घटना को हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। मतलब कि अगर आप इस क्षेत्र के अंदर अनाज उगा रहे हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। इन सभी बातों पर विचार विमर्श किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1857 के विद्रोह से क्या कारण थे, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, किस जो किसानों से अत्यधिक कर्ज लेना मतलब अत्यधिक टैक्स वसूलना, दूसरा सेनाओं को अच्छा वेतन और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं ना देना, इसके अलावा अफवाहें फैलाई थी कि जिस समय के क्या होता कारतूसों के ऊपर सुअर की ये गाय की चर्बी लगाई गई है, आटों के अंदर सुअर की हड्डी को पीस के डाला गया है, तो इनकी कई परेशानियों की वजह से लोगों ने क्या किया, विद्रोह करना शुरू किया। और कई ऐसे परिवर्तन थे समाज के अंदर, उन्होंने वो चेंज किए, सती प्रथा, बाल विवाह बंद किया, तो इस तरीके से उन्होंने कोई ऐसे प्रावधान किए जिसकी वजह से कि भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और ये आवाज़ इतनी ज़्यादा उठ गई कि अवध से लेकर मेरठ से लेकर पूरे सभी क्षेत्रों में भारत के अधिकतर कोने में क्या हो गया, विद्रोह छिड़ गया और अंग्रेज इस विद्रोह में पूर्ण रूप से भारत को कुचलने में सफल हुए और उन्होंने पूरे भारत के अंदर कब्जा कर लिया। डिस्क्राइब द वेरियस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, मतलब सोशियो सामाजिक और धार्मिक सुधार क्या क्या हुए। अगर हम बात करें समाज के अंदर कई सुधार किए राजा राम मोहन रॉय ने और लॉर्ड बेंटिंक ने, तो जब वो उनका शासन काल था 19वीं शताब्दी में 19 सेंचुरी के अंदर उन्होंने बहुत सारे समाज सुधारक किए, सती प्रथा को उन्होंने समाप्त किया और उस समय सामाजिक के अंदर बहुत सारे जो ये चेंजेस हुए, धार्मिक के अंदर भी उन्होंने चेंज किए। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने क्या कर दिया कि ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की और उस समय क्रिश्चियंस पे ज़्यादा जोर दिया गया, मतलब जिस लोगों को ब्राह्मण पसंद नहीं है वो क्रिश्चियनिटी को अपना सकते हैं। तो समाज में कुछ ऐसे बदलाव लाए गए जिसके ज़रिए क्या कर सकते थे, वो किसी भी धर्म को अपना सकते थे, ऐसा कुछ लाया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की विशेष योगदान क्या था, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी का विशेष आंदोलन मतलब योगदान ना रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। कहा जाता है जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में गांधी जी वापस आए तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से कई तरीके से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और अफ्रीका से वो यह भी सीख के आए थे क्योंकि अफ्रीका के अंदर कलर भेद की नीति थी और उस कलर भेद की नीति को उन्होंने यहाँ भी देखा कि जब वो एक बार अंग्रेज के साथ जब मैं ट्रेन में जब जा रहे थे उन्होंने भी फर्स्ट कंपार्टमेंट का टिकट लिया था लेकिन उनको क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था क्योंकि वो काले थे इसीलिए उनको निकाल दिया गया था। तो इसी तरीके से गांधी जी ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। सबसे पहले 1916 में चलाया गया, चंपारण बिहार से चलाया गया। तो बिहार का जो आंदोलन है बच्चों वो किस लिए है, बिहार का जो आंदोलन है बेसिकली वो इसलिए दिया गया है कि बिहार के आंदोलन के अंदर किसानों के ऊपर कई अत्यधिक टैक्स लग रहे थे, कर वो चुका नहीं पा रहे थे, इसीलिए गांधी जी ने सत्य की खोज करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन सबसे पहले चंपारण बिहार से चालू किया ताकि किसानों को उनका कर्ज माफ़ कर देने की बात कही गई। इस तरीके से फिर उन्होंने खेड़ा, अहमदाबाद और भी डांडी मार्च, उन्होंने बहुत सारे नमक आंदोलन निकाले जिसके ज़रिए हम ये राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं हम इसे। आते 1940 से लेकर 1947 के बाद भारत में घटी राजनीतिक घटनाओं को रेखांकित कीजिए जिसका कारण भारत का विभाजन हुआ। मतलब 1940 से लेकर 47 के बीच में खिलाफत मूवमेंट हुआ जिसके कारण इस समय मुस्लिम लीग ने अपनी स्थापना की, मतलब कि मुस्लिम लीग ने द्वि-राज सिद्धांत की मांग की। सैयद और मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने क्या किया, द्वि-राज सिद्धांत मतलब मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की गई जिसके कारण क्या किया, भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। जिस क्षेत्र में ज़्यादा अधिक मुसलमान रहने लग गए उसे पाकिस्तान कहा गया, जिस क्षेत्र में हिंदू लोग रहने लग गए उसे क्या कहा गया, भारत कहा गया। इस तरीके से विभाजन किया गया था। तो ये क्वेश्चन आप 20 नंबर में लिख सकते हो बेटा। अब आता है आपका इसमें सहायक संधि आप कर सकते हो, सहायक संधि क्या थी और संवैधानिक सभा क्या है। संवैधानिक सभा इजी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये एक ऐसी सभा है जो कि 9 दिसंबर 1946 में पहली बार रखी गई थी जिसके अंदर अस्थायी सदस्य बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद का मुख्य कार्य क्या था और वो इस मीटिंग को हेल्ड करना, मीटिंग के अंदर क्या क्या डिसीजन लेने हैं संविधान के प्रति, वो सारी चीज़ें इसमें बात कही गई थी। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो भी देख लें इसमें।
ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास, जो प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सभी के क्वेश्चंस हमारे पास आज भी हैं। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त ये बार बार आता रहा है बच्चे, इसको याद रखना। और जातीय आंदोलन में ज्योतिबा फुले का बहुत और भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसको याद रखिएगा आप। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय उत्पत्ति, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। 1920 से लेकर 34 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास। 20वीं शताब्दी में सांप्रदायिक राजनीति के विकास के बारे में बताना है। संविधान सभा के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी वो चीज बता सकते हो। सावित्री बाई फुले ज्योतिबा बाई फुले की पत्नी है, जिन्होंने शिक्षा क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। या ऐसे और भी क्वेश्चन आप देख सकते हो पॉज करके और इसकी तैयारी कर ले। बक्सर और प्लासी का युद्ध एक जरूर याद कर ले। सो आप इस तरीके से अब अपने आंसर शीट्स को और इफेक्टिवफुल बना सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों एंड वॉचिंग दिस वीडियो।